हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज़ की तरह। आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर के आए हैं, बनाना आइसक्रीम, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाना आइसक्रीम बनाते हैं। हम 4 या 5 बनाना छील के कट कर लेंगे। मैंने बनाना छील लिए हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। हम इनको कट करके फ्रीजर में रख देंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 बनाना कट कर लिए हैं। अब हम इसको एकदम टाइट बंद करके और फ्रीजर में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। बनाना हमने कट करके फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिए हैं। अब हम कंडेंस मिल्क तैयार कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क तैयार करने के लिए मैंने 3/4 बाउल दूध लिया है, 1 बाउल मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1 छोटा सा बाउल मैंने चीनी ली है और 2 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है। हम यहाँ पे कढ़ाई या फ्राई पैन लेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल होने लग गया है, चीनी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी के दाने रह ना जाएं। लगातार हिलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे और लगातार हिलाते रहेंगे। कंडेंस मिल्क तैयार करते समय हमें गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई या लो नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और डाल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि ठंडा होने पर ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 2 चूटी सोडा डाल देंगे। ये देखिए, मैंने 2 चूटी सोडा डाल दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें गैस का फ्लेम ऑन करके सोडा नहीं डालना है, फ्लेम को बंद करने के बाद ही सोडा डालना है। अच्छे से मिलाते रहें। अगर आपके कंडेंस मिल्क में गांठें पड़ जाती हैं या ऐसे एक तरह से नहीं हो रहा है तो आप ठंडा होने के बाद उसमें ब्लेंडर चला सकते हैं या मिक्सर में भी चला सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी है। कंडेंस मिल्क को हम बाउल में निकाल देंगे। अभी बहुत तेज़ गर्म है इसलिए हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बनाना भी फ्रीज हो चुके हैं। आइए अब हम उनको फ्रीजर से निकाल लेते हैं। देखिए, अब हम इनको जार में डाल लेंगे। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इनको किसी बाउल में निकाल लेंगे। कंडेंस मिल्क भी डाल देंगे। फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अगर आप चाहें तो बनाना आइसक्रीम को क्रीम कलर में ही रख सकते हैं, आप येलो कलर ऐड कर सकते हैं इसमें या ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं। हमने सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दूंगी। अभी हम इसमें थोड़ा सा और कलर डाल लेंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर ग्रीन कलर आया नहीं है। देखिए बड़ा सुंदर कलर आया है इसका। अब हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। इसको ढक्कन लगा देंगे और वापस फ्रीजर में रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए ताकि आइसक्रीम तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, बनाना आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, अच्छे से जम चुकी है। अब अगर आपके पास आइसक्रीम वाला स्पून है तो आप उसको यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल स्पून से भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाना आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। आप जब चाहें ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।